ड्रामा सीरियल दाव की एपिसोड नंबर 18 में क्या कुछ होगा जानिए इस वीडियो में। अगर है चैनल पे नए तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। जी हाँ, तो आसम फाइनली मनाने के लिए आ ही जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसको बताती है कि वो अपसेट थी तो इसलिए माँ के घर चली गई है। जी हाँ, नेहा उसको ये नहीं बताती कि मैंने उसको धक्के दे कर निकाला है और उसको कहा है कि वहीं रहे। जी हाँ, तो आसम जब आता है तो नेहा बहुत ही ज़्यादा उसके सामने रोती है और बोलती है कि मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है, मैं आज रात यहीं पर रुकना चाहती हूँ। जिस पर आसम कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी, तुमने मेरे बगैर इतना ये हाल बना लिया है तो तुम, मैं जब चला गया तो तुम क्या करोगी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ नेहा, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। या वहाँ पर भी अगर तुम्हें साथ लेकर नहीं गया तो मुझे चैन नहीं आएगा। जिस पर नेहा कहती है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आंटी है ना साथ। जिस पर कहता है आसम के नहीं, मैं आंटी के सहारे तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं जो हूँ खुद भी नहीं जाता। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो आज रात हम यहाँ पर रह लेते हैं। जी हाँ, तो उधर आ जाता है ख्याल उसको अपनी माँ का और बोलती है कि मुझे अपनी माँ को मनो मट्टी तले दबा कर भी मुझे कुछ नहीं हुआ तो मुझे सब्र आ ही जाएगा। आसम तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। लेकिन आसम को बहुत ही ज़्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत और ख्याल होता है उसका, और उसको बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही जाओगी, हम कल चले जाएंगे। उधर आ जाता है फ़ोन जनाब उसकी माँ का। जी हाँ, अलमास फ़ोन करती है अपने बेटे आसम को और उसको बोलती है कि कहाँ पर हो तुम। जिस पर आसम कहता है कि हम अभी इसी घर में हैं। जिस पर कहेगा आसम के मुझे शायद आज यहाँ पर रुकना पड़े, आप ठीक कह रही थी कि नेहा वाकई ही बहुत ज़्यादा अपसेट है। जिस पर कहेगी उसकी माँ, क्या मतलब वहाँ पर रुकना पड़ेगा, मकान किराए का था, वो मालिक मकान वापस ले लिया, अब तुम लोग अजनबियों के यहाँ रुकोगे, मैं ये हरगज़ इजाज़त नहीं दूंगी। इस पर आसम बोलेगा कि अम्मी नेहा बहुत ज़्यादा अपसेट है, मुझे यहाँ रहना है। जिस पर कहेगी आगे से अलमास गुस्से की हालत में कि रहो तुम वहाँ पर, मैं यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, और तुम हो कि वहाँ पर अपनी बीवी के घुटनों में लगकर बैठे हो, वहाँ पर अपनी बीवी का ख्याल तुम्हें है लेकिन अपनी माँ का तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं है, और गुस्से की हालत में फ़ोन काट देती है। आपको क्या लगता है नाज़रीन के माँ के इस तरह फ़ोन काटने पर आसम जो है वो नेहा को छोड़कर अपने घर चला जाएगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।